हेलो गाइस, मेरे मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं मटर पनीर की रेसिपी बनाने वाली हूँ। एक साइड में तो मैंने मटर बॉईल होने के लिए रख दी है और दूसरी साइड में मैंने कढ़ाई में हल्का सा ऑयल डाल के और अपने टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए रख दिया है। जब तक दोनों चीज़ें पकती हैं तब तक मैं अपना पनीर कट कर लेती हूँ। भी घर पे गेस्ट आते हैं तो जल्दी से जल्दी सब्जी बनानी पड़ती है, तो इसी तरीके से आप लोग भी सब्जी बना सकते हो दोनों गैस ऑन करके और उनको यूज़ कर सकते हो और साथ में सब्जी कटिंग चॉपिंग कर सकते हो। अब मेरे टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो गए थे, मैंने उनको हल्का सा ठंडा किया, फिर मिक्सी के जार में डालकर उसमें 2-3 मिर्ची डालकर उसको अच्छे से पीस लिया, अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया। फिर मैंने कढ़ाई में दोबारा से घी डाला और उसमें जीरा डाला, हल्का सा ब्राउन होने तक उसको पकाया, फिर मैंने अपना जो पेस्ट तैयार किया था वो उसमें डाल लिया। अब मैं अपने इसमें सारे मसाले डाल लूँगी। इसमें मैंने हल्दी, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया डाल लिया है। जब तक ये मसाला अपना तेल नहीं छोड़ देता तब तक मैं इसको अच्छे से पकाऊँगी। मैंने अपनी इस सब्जी में सारे पिसे हुए मसाले ही यूज़ किए हैं, आप चाहे तो इसमें खड़े मसाले भी यूज़ कर सकते हो। मेरा मसाला बनकर तैयार हो चुका था। इसके बाद मैंने अपनी इसमें उबली हुई मटर डाल दी। मटर मेरी पहले ही बॉईल हो चुकी थी इसलिए मुझे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद मैंने उसमें पनीर डाला। अब मेरी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने उसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली है और मैगी मसाला डाला है और गरम मसाला डाला है। अगर आप चाहे तो इसमें ऊपर से हरा धनिया भी डाल सकते हो। मटर को अगर पहले ही बॉईल कर लेते हैं तो सब्जी क्या है थोड़ा जल्दी बन जाती है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को टेस्ट कराई, सब्जी बहुत ही अच्छी बनी थी। फिर मैंने अपनी पूरी फैमिली को पूरी के साथ सर्व